और उसका 17 विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, जिससे यह कहा गया था इसाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। मैं जानता हूं आप में से बहुतों ने इस वचन को पढ़ा होगा, आपने इसके ऊपर सर्वन सुने होंगे, लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने इस वचन को आपके बीच में रखने के लिए कहा है। लिसन, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञाओं को कितना महत्व दिया है। इवन आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं इस बात की, आज जिस देश में इज़राइल में लोग रह रहे हैं, इस देश का पहला नाम इज़राइल कभी नहीं था, इस देश का नाम था अ प्रॉमिस लैंड, एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश। लेटर बाद में इसका नाम कनान आया और आज ये देश एक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, इज़राइल। इज़राइल जाति बाद में है, पहले वो एक व्यक्ति है, याकूब। परमेश्वर ने उस लैंड के लिए, जो जमीन जो उसने उसके 12 गोत्रों को दी थी, परमेश्वर ने उसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊंगा, जिसका वादा मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया है। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने इस लैंड का नाम, जिसमें आज इसराइल के लोग रह रहे हैं, जिसको आज हम इंग्लिश में फिग ट्री जनरेशन कहते हैं, वो पेड़ जो वापस उग रहा है। द बाइबल सेज कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश दूंगा। समटाइम्स आई फील, मैं बहुत बार ये बात महसूस करता हूं कि बहुत सारे दुनिया के लोग तो छोड़ो, बहुत सारे मसीह लोग भी आज अपने टाइम से पहले मर रहे हैं। रीजन क्या है? स्ट्रेस। रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग। रीजन क्या है? टेंशन। हां, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये इतनी गहरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस पहाड़ी उपदेशों में पूरा अध्याय चिंता के ऊपर बात की कि तुम यह न सोचना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, बिकॉज यीशु जानता था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज आप में से यहां पर बहुत लोग होंगे जिनको अधिक सोचने की आदत होगी और ये आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज से कुछ समझाना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में प्रतिज्ञाओं का अगर महत्व नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, ऐसे गलत तरीके से मत लीजिएगा। अगर आपका ध्यान प्रतिज्ञाओं पर नहीं है, परमेश्वर भी आपको चिंता से नहीं बचा पाएगा, परमेश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा। आज देखा है आपने टेंशन कितना लेते हैं, परेशान कितने होते हैं। हमारे मुंबई में एक लड़की को जो SSC के एग्जाम्स देकर आई, उसकी दोस्त ने उसे कहा कि तुझे कुछ सब्जेक्ट्स में KT लगने वाली है। उसे लगा कि बाप रे, ये तो बेकार हो जाएगा मेरे लिए, मैं फेल हो गई तो मेरी सारी सहेलियां आगे चली जाएंगी और इंसल्ट अलग होगी। उस बच्ची ने 7वें माले से जम दिया, खुद की जिंदगी ली उसने रिजल्ट आने से पहले, और जब उसकी रिजल्ट आई वो पास हुई थी। ये इतना डेंजर है। कभी आपने सोचा है कि आपका जीवन कभी कभी इतना भारी क्यों है? मैं नहीं कहता हूं कि हमारे पास चिंताएं नहीं आएंगी, मैं जानता हूं ये हमारे लाइफ में एक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, लेकिन फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का महत्व क्या रहा? आप जानते हो इन ओल्ड टेस्टामेंट खुदा ने उन्हें जो जमीन दी थी, उस जमीन का नाम उसने कहा था कि ये प्रतिज्ञा किया हुआ देश में तुम्हें दूंगा। और आप जानते हो जब वो उस बॉर्डर पे पहुंचे, उनका लीडर मर गया वहां पर। आप सोचिए, उनका कैप्टन ही मर गया वहां पर, मोसेस, और उनको अंदर जाना था। यहोशू आगे ही नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहां पर दानव थे, अनाकवंशी थे, 12-12 फीट लंबे लोग थे जिनका पूरा जेंडर ही अलग था। आप इसे हर एक को आज ये जानना चाहिए कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके प्रॉमिसेस का क्या महत्व है। मैंने अपने लाइफ में बहुत व्यभिचार से स्ट्रगल किया है, पॉर्न वीडियो देखना, स्त्रियां सामने से जाएं उन पे गलत नजर डालना, माइंड के अंदर एडल्ट्री के थॉट्स एंटरटेन करना, मैंने इन चीजों से बड़ा स्ट्रगल किया। लेकिन एक दिन मैंने बाइबल में एक ऐसी प्रतिज्ञा पढ़ी जिसने मेरे अंदर व्यभिचार को निकाल के फेंक दिया। एक वचन लिखा था यहूदा में, वही तुम्हें गिरने से बचाएगा।
हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है, इंग्लिश में अलग है। हिंदी में लिखा है वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ के देखिए वहां लिखा है ही विल कीप यू फ्रॉम फॉलिंग। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये आपकी प्रतिज्ञा है, आपने कहा है कि आप मुझे बचाओगे, और जैसे मैंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, ट्रस्ट मी, खुदा ने मुझे आजाद किया। इवन आपको पता है, बाप बेटा पाकरू, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप इसे कितने के बाद जानते हैं, ये प्रतिज्ञाओं के खुदावंत हैं। आप पूरे पुराने नियम को पढ़ लिए, परमेश्वर बार बार पुराने नियम में कहता है मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, बीज आएगा, वो ब्लड जो इज़राइल के लोगों ने लगाया था, वो सब वो दिखा रहा था कि वो एक दिन अपना खून बहाएगा। जब मूसा ने उस पीतल के सांप को, उस ब्रोंज स्नेक को लकड़ी पर चढ़ा दिया, वो दर्शाया जा रहा था मेरा बेटा आएगा। हर जगह पर परमेश्वर एक प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति हमें दिखा रहा था। इवन हम तो छोड़ो, अन्य जातियां तक उसका इंतजार कर रही थी। यीशु सामरी स्त्री से मिलता है, उससे बातें करता है, और वो उसको कहती है मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है वो आने वाला है और वो हमें बताएगा। अन्य जातियां उसका इंतजार कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, सबसे पहली बात इज़राइल के लोगों को नहीं, ज्योतिषियों को बताई गई, वो भी उससे मिलने आ गए। पुराने नियम में आप पढ़िए, बाप हर बार कहता है बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा। और आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब बेटा आया तो बेटा प्रतिज्ञा करने लगा कि मैं जा रहा हूं और पवित्र आत्मा आएगा। और वही पवित्र आत्मा आज एक नई प्रतिज्ञा हमें दे रहा है, जो बहुत पुरानी है लेकिन हर दिन रिमाइंड कर रहा है। और उस प्रतिज्ञा में है कि यीशु बहुत जल्द आने, दे आर द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञा करते हैं। आज मैं पूरा ये संदेश आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यहां पर इब्रानियों का लेखक ऐसे कहता है कि उसने एक प्रतिज्ञा को सच्चा माना। ओ मैं इस आदमी का फैन हूं, मुझे जब यह आदमी स्वर्ग में मिलेगा मैं इसको सैल्यूट करूंगा, सर क्या फेथ था आपका अर्थ पे, आप जैसा फेथ होता तो पता नहीं हम कहां पहुंच जाते। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मैं उनकी शक्ल से ज्यादा उनकी स्पिरिचुअलिटी देखता हूं कि एक्चुअली कौन सी चीज है जो खुदा ने दी है, मैं उसको हासिल करूं। कई लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते सूरज भाई हम आपके फैन है, और फैन ट्यूबलाइट बल्ब होके कुछ नहीं मिलना। कई लोग आते हैं बोलते ओ सूरज भाई हम तो आपके बड़े फैन है, भाई मत बन फैन ट्यूबलाइट बल्ब, कुछ नहीं मिलने वाला है। फैन बनना है ना, जानते हो किसके बनो, एक ही व्यक्ति के, यीशु मसीह के, और किसी के फैन मत बनो। आपको क्या लगता है हम सिद्ध हैं? अरे रोज गुनाह करता हूं मैं, रोज पाप होता है मुझसे, रोज गुस्सा करता हूं मैं, आपको पता है क्या? नहीं 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 हम, अरे किसी का एलिशा एलिया का फैन था, बोली एलिशा एलिया का फैन नहीं था बहनों भाइयों, एलिशा एलिया के अभिषेक के पीछे था, वो उसके पीछे क्यों जा रहा था? अरे मेरा फैन भी तरह ऐसे एलिया उसको बार बार कह रहा था जा यहां से, नहीं जाऊंगा, जा यहां से, नहीं जाऊंगा, अरे जा यहां से, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? जो तेरे ऊपर है उसका दुगना हिस्सा। किधर है ऐसे लोग आजकल, आजकल फोटो निकालने वाले बहुत है। ओ पास्टर रुकिए 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 रुकिए, तालीस बनाना मुझे एक दिन एक सिटी में था, एक आदमी ने मुझे कहा कि मुझे आपसे फोटो निकालना है। मैंने बोला सब करेगा क्या, बोला मैं तावीज बना के पहनूंगा। मैंने कहा देखो क्या क्या करते हैं, मेरा फोटो मत लगाओ, कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा हूं। अरे एक ही व्यक्ति के फैन बनो, माला माल हो जाओगे। हिज नेम इज जीसस, उसका फैन हूं मैं, आपका आदर करता हूं, मैं आपको अपनी महिमा नहीं दूंगा, लेकिन महिमा मेरे यीशु की है। He is only to the worthy for our praise and glory. वही हमारे आदर और महिमा, वो योग्य है कि उस पे ध्यान दिया जाए। He is worthy of our focus. चलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया है, अब मैं वचन शुरू करना चाहता हूँ। ओके मैं चाहता हूँ अब आप सब ध्यान दें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक समय ऐसा था कि खुदा एक व्यक्ति से मिला, एंड हिज नेम वॉज इब्राहिम। क्या इब्राहिम मत कहना, उस टाइम पे उसका नाम इब्राहिम नहीं था, हिज नेम वॉज इब्राहिम। और जब परमेश्वर उसे मिला तो परमेश्वर उसे वायदों से मिला। आप इसे कितने लोग बात जानते हैं, परमेश्वर यूसुफ से भी वायदों से मिला, वो प्रतिज्ञाओं से मिला, परमेश्वर को ड्रीम दिया। अब परमेश्वर उसके पास आके कहता है इब्राहिम मैं परमेश्वर हूं, मैं मालिक हूं, और मैं तुझे वादा करता हूं मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा और तुझे ब्लेसिंग बनाऊंगा। और बाइबल बताती है जब खुदा उस पर जाहिर हुआ, आप थोड़े थोड़े उर्दू वर्ड समझ सकते हैं ना, जाहिर होना वगैरह वगैरह, ठीक है,
थोड़ा मैं मिक्स हो गया हूं, अभी मैं उर्दू बहुत पढ़ता हूं। जब परमेश्वर उस पर जाहिर हुआ, जब परमेश्वर उसे वायदे किए, वायदे जो उर्दू वर्ड हिंदी में प्रतिज्ञा कहा जाता है, प्रॉमिस, परमेश्वर उसे प्रॉमिस करके कहता है, हे इब्राहिम, अपने घर को छोड़, कुटुंब को छोड़, परिवार को छोड़, अपनी ये अर्थली अटैचमेंट्स खत्म कर और मेरे पीछे चल, मैं तेरे द्वारा एक नेशन बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ साथ चल। और द बाइबल सेज कि इब्राहिम ने परमेश्वर की वाणी को सुनकर अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, एक अटैचमेंट थी उसकी उसके भतीजे लूत के साथ। और बाइबल बताती है जब इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़ के आगे चल दिए, आप जानते होंगे इब्राहिम ने अपने दिनों में बहुत सीरियस मिस्टेक्स की थी। बाइबल बताती है जैसे उसने अपना घर छोड़ा, वो एक जगह पे रहने लग गया जहां पर अकाल आया, और अकाल के कारण उसे डिसाइड किया कि वो ये जमीन भी छोड़ देगा, पर वो जमीन एक्चुअली वो जमीन थी जो परमेश्वर उसको देने वाला था, लेकिन उसे लगा कि यहां अकाल आने वाला है, मुझे यहां पर नहीं रहना चाहिए। एंड द बाइबल सेज कि वो बिल्कुल वहां के पास में एक देश था जहां पर चला गया, क्योंकि वहां रोटी थी और वो देश था मिस्र। और जब वो वहां पर गया तो उसने बहुत भारी गलती की। उसने वहां पर ये जानकारी निकाली कि यहां पर एक्चुअली कुछ लोग हैं जो खूबसूरत औरतों को अपने पास रख के उनके पतियों को खत्म कर देते, और उन दोनों में सारा खूबसूरत थी। ये मैंने इब्राहिम कहता है, इब्राहिम से कहता है परम सुंदरी। हाँ लिखा है वहां पर, तो परम सुंदरी है। आप हिंदी पढ़ के देखो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये फिल्मी वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हमें लगता है। आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, ये बाइबल में है, दिखाऊं मैं आपको? ये संसारिक वर्ड्स नहीं है, रीड सॉन्ग ऑफ सोलोमन, आपको पता चलेगा ये वहां पर लिखा है, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। आपको लगता होगा मैं राजकना कोई गाना गा रहा हूं, नहीं, देयर इज अ वर्ड। आप लोगों ने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें एक डायलॉग था, All is सपने देखा बेचारा, वेरी गुड, बोल खुल रही है आपकी। ये कहां लिखा है? वन किंग्स में। वो विधवा से कह जी पूछता है सब ठीक है, बोलती है सब कुशल है, बढ़िया इंग्लिश, ऑल इज वेल। सर बाइबल से चुरा चुरा के निकाला है इन लोगों ने, हमारे खजाने को लूटा है। लिसन द बाइबल सेज, खुदावंद का कलाम कहता है, उसने अपनी बीवी से कहा तू बहुत सुंदर है, और जब ये लोग तुझे अरेस्ट करें, तुझे पकड़े, तो तू ये कह देना कि ये मेरा भाई है और तू मेरी बहन है। कितनी सीरियस गलती है, मैंने कभी नहीं देखी किसमें। वो कहता है सुन, अगर एक रात के लिए वो तुझे ले रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, चली जा, मैं बच जाऊंगा। आप बिलीव करते हैं इब्राहिम ने अपने दिनों में ऐसी गलतियां की कि चलेगा अगर एक नाइट के लिए अगर तुझे स्पॉइल करते तो होने दे, मैं तो बचूंगा ना। आप बिलीव कर सकते हैं परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को हमारे विश्वास का पिता बनाया। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं कि आप में से भी यहां पर बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की होगी। जो इब्राहिम को उठा सकता है वो हमें भी उठा सकता है। सेम गॉड, आपकी कोई गलती परमेश्वर के मन को नहीं बदल सकती। परमेश्वर याकूब से कहता है, हे याकूब, जब तक मैं अपना कहा हुआ पूरा न करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए प्रोफेसी करता हूं, जब तक परमेश्वर अपना काम पूरा न करे वो आपको नहीं छोड़ने वाला। बोलिए आमीन, रिसीव करना सीखो आमीन बोल के। और बाइबल बताती है उसके बाद परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला, और एक ऐसा समय आया कि बाइबल बताती है इब्राहिम वहां से एक बहन, एक औरत को लेकर आया जिसका नाम था हाजरा। और सारा ने उसे ये एडवाइस दी कि खुदा मुझे तो बच्चा देता नहीं है, एक काम कर, इस दासी में से ही निकाल लिया। आप जानते हो जब उसने उसे, द बाइबल से जब उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ एंड हिज नेम वाज इश्माइल, और इस तरह परिवार चल रहा था। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इसे पूरे दिमाग से सुनो, हृदय को खोलो इसके लिए। आप जानते हो जब इब्राहिम 99 वर्ष के हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, प्रतिज्ञा तो थी परंतु प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। बाइबल ऐसा बताती है कि जब 99 की एज में इब्राहिम एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जिसमें लिखा गया है वो बांज वृक्ष था, उस पेड़ में कोई भी पत्ता नहीं था। जब वो ऐसे पेड़ के यहां पर बैठा हुआ था और जब उसने सामने नजर देखी, उसने क्या देखा कि परमेश्वर आ रहा है। और बाइबल बताती है इब्राहिम उठा, भागा और प्रभु के सामने गिर के तीन बातें बोली उसने, हे प्रभु मेरे घर आइए, खाना खाइए और विश्राम कीजिए। थ्री थिंग्स इब्राहिम के सामने जब परमेश्वर आया, इब्राहिम कैजुअल वॉक नहीं कर रहा था। अरे आप कैसे, द बाइबल सेज ही रन, वो भागा।
और भाग के उसके सामने गिर गया। 99 ईयर्स का था वो, और आप जानते हो प्रतिज्ञा 75 में मिली थी, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, तेरे द्वारा वंश बढ़ाऊंगा। और अब वो 99 वर्ष का हो गया है, परमेश्वर उसके सामने आया। द बाइबल सेज इब्राहिम भागा, इब्राहिम गिरा और उसे कहता है आप अपने दास के पास आए हैं, आइए खाना खाइए, आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इसीलिए मेरे पास आए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक से आप में से कितने लोग ऐसे हैं 24 साल से उसकी दुआओं का उत्तर नहीं आया है, वो आज भी प्रभु के पीछे दौड़ रहा है। 24 साल हो गए हैं उस आदमी को, उसकी दुआओं का उत्तर नहीं आया है, पर आज भी जब प्रभु को देखता है तो उसके पीछे भागता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के पीछे भागते हैं, चाहे कुछ मिले या न मिले। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी चमत्कार नहीं होगा, दूसरे चर्च में चले जाएंगे। अरे चलो 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 चलो, वो पास्टर आया हुआ है, मैं दो दिन से इनके चर्च में यही बता रहा हूं। मैं आपको यहां भी बता देता हूं, हमारे चर्च में एक बहन है, उन्हें टीबी थी। मेरे पास आके कहती है वो पास्टर जी आने वाले, मैंने बोला हाँ शाम को आएंगे, वो शाम को आए, मुझे पता ही नहीं ऐसे टीबी है, दो साल से चर्च में आ रही है। और पास्टर के सामने जाके कहती है पास्टर जी मेरी टीबी है, मैंने ऐसे को देखा, मैंने कहा वाह दो साल से आप मेरे चर्च में, मुझे पता ही नहीं टीबी है। तो मैंने उसको बोला आपको टीबी है? हाँ। तो मेरे को बोलती है आप ही ठीक करते हो। यू नो आजकल क्या लगता है, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम वाला, लोकल पास्टर क्या ठीक करेगा, सर्दी जुकाम खांसी, वो जो बाहर से पास्टर आता है वो टीबी कैंसर वाला। ये ना बहुत लोग हैं आज चर्च में आने का कोई मोटिव ही नहीं है, ये चमत्कार नहीं हुआ चलो बाजू वाले चर्च में, इधर नहीं हुआ चलो वहां पर में, वो मिनिस्ट्री में कॉल करो, वो मिनिस्ट्री में कॉल करो। आप में से कितने लोग इब्राहिम की इस बात को जानते हैं, 24 साल से उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था, पर आज भी वो खुदा के पीछे दौड़ रहा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से ये कहा, आप कमेंट्री पढ़ के देखिए, वो राजा को कहते हैं अगर हमारा परमेश्वर हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर डरेगा। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, प्रभु के साथ आपका लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है। आज बुजुर्ग पास्टरों से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको पहचानना है आपके चर्च का यूथ कैसा है, आप हैरान हो जाओगे सुन के, आपको जानना है आपके चर्च का यूथ कैसा है। 6 महीना का इनका मिनिस्ट्री बंद कर दो, कोई सेवा मत दो इनको, नीचे बिठा दो, 3 महीने के बाद आपको किसी और चर्च में मिलेंगे, क्योंकि ये खुदा के लिए नहीं, ये सेवकाई के लिए आते। They are not came to church, वो खुदा के लिए नहीं आते, सेवकाई के लिए आते। आज बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने चर्च को क्लब समझा है, चलो हम तो क्रिश्चियंस हैं, मसीह लोग हैं, चलो शाम को रविवार है चर्च चलना है बस। आप इससे कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु तेरा और मेरा लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है, तू दे तो भी ठीक, न दे तो भी तेरी महिमा हो। कब हम ऐसे संबंध में पहुंचेंगे जहां पर खुदा और हमारे बीच में लेन देन खत्म हो जाएगा, आप मुझे बताइए। सब यहां देखिए, जिंदा व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा? आप जानते हैं पूरी इज़राइल यीशु को तब ढूंढ रही थी जब वो जिंदा था, बट मरियम उसे तब ढूंढ रही थी जब वो मर चुका था। हैव यू नोटिस्ड? वो कब्र में जाके कहती है स्वर्गदूतों को, कहां रखा है तुमने उसे, दे दो मुझे, मैं ले जाऊंगी, मैं वहां होता, मैं होता मरियम इज डेड, वो मछली रोटी कुछ नहीं बनाएगा अभी तेरे लिए, अनुग्रह भी नहीं देगा, कोई चंगाई नहीं देगा, फिर भी चाहिए? हाँ चाहिए। She want dead Jesus. ये प्यार है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ यीशु चाहिए। आमीन आमीन। और जो यीशु के पीछे ऐसे चलते हैं ना उनके पास सब कुछ होता है। आप बिलीव करेंगे आप जो मैं कहूंगा? ट्रस्ट मी, जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपके पास है, और विश्वास कर प्रभु ने अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो जानते हो कारण क्या है, आपको आवश्यकता नहीं है। जब राइट टाइम आएगा जमीन खोद के भी देगा, लेकिन अगर उसने नहीं दिया है ना तो समझ जाओ यू डोंट नीड इट, आपको जरूरत नहीं है। मैंने अपने लाइफ में परमेश्वर से कई बार वो चीजें मांगी और परमेश्वर ने मुझे कानों में आके कहा सच में जो तू मांग रहा है तुझे उसकी, उनका ब्रांडेड कपड़ा देख के, उनके फोन्स देख के, उनकी घड़ियां देख के, उनकी वेयरिंग को देख के हम कहते हैं अरे ये तो कितना अमीर है, पर आप जानते हो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बाइबल अमीर कौन है?
प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल अमीर कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। दे आर रियल रिच पीपल, जिनको जरूरत ही नहीं। बता रहा okay. मैं खुदा के लिए जीता, वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। 99 की एज में वो खुदा के पीछे दौड़ रहा था। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतनी सारी बातें हैं जो प्रभु ने नहीं लिखी। ऐसा लिखा है एक एक करके लिखी जाती तो ऐसी किताब बनती जो पूरे दुनिया में नहीं समाती। अगर परमेश्वर ने कुछ लिखा है तो हमारे लिए लिखा है ताकि हम उससे सीखें। जब बाइबल बताती है अब्राहम दौड़ा तो ये हमारे लिए लिखा गया है कि क्या हम दौड़ते हैं। और बाइबल बताती है 100 साल की उम्र में एक दिन उसे बच्चा हुआ, लेकिन जब प्रभु 99 में उसे मिला, आप जानते हो पहली चीज क्या हुई? इट्स अमेजिंग। आई नो आपने पढ़ी होगी, लेकिन आप समझो। आप जानते हो जब प्रभु उससे मिलने आया और प्रभु कहता है इब्राहिम अगले साल इन्हीं ठंडियों में वसंत ऋतु में तुझे बेटा पैदा होगा, सारा ऐसे कर रही थी। सारा ऐसे कर रही थी। फिर से वही बातें हंस रही थी। और जानते हो जब परमेश्वर ने ये देखा, ओ तब परमेश्वर ने इब्राहिम का नाम इसहाक का नाम लिया, तुझे एक बेटा होगा और तू उसका नाम रखेगी इसहाक। गूगल करके देखिए, इसहाक के नाम का अर्थ है हंसना। सारा अविश्वास में हंसी थी ना, आज के बाद जब तू उस लड़के को देखेगी ना तो फेथ में हंसेगी। हाँ मैं हंसी थी, अब ये मिल गया। Our God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। 100 साल की उम्र में द बाइबल सेज कि उसे परमेश्वर ने बेटा दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया अब उससे गलतियां होना शुरू हो गई जो हमसे होती है। जानते हैं गलतियां क्या हुई? एक्चुअली ये हिडन है, ये लिखी हुई नहीं है। अब उससे गलतियां ये हो गई कि अब परमेश्वर की जगह इसहाक लेने लगा। अब जितना वक्त वो पहले परमेश्वर के लिए सोचता था अब अपने बच्चे के लिए सोचने लगा। आप जानते हो कई सारी परीक्षाएं आपकी जिंदगी में क्यों आती हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की जगह लोगों को देते हो। मैं आज से बहुत टाइम पहले एक ऐसी बहन से मिला जिसका मात्र 24 साल में एक लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया था। ये लड़की रायपुर से थी और जब इस लड़की का ब्रेकअप हो गया, जब मैं उससे मिला तो उसके ये जो सर्किस से आए के नीचे वो इतने डार्क थे। और उस बहन ने मुझे अपनी जिंदगी बताई कि कैसे एक व्यक्ति के साथ उसे ड्रीम्स देखे और जब वो चीटर निकला, जब उसे पता चला कि इज अ फ्रॉड पर्सन, वो कैसे ब्रेक हो गई। वो बहन बड़ी ऑनेस्टी के साथ मेरे सामने आके कहने लग गई कि भैया मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप जानते हो ये चीजें किन लोगों के साथ होती हैं? मैं नहीं कहता हूं कि जो करते हैं वो निर्दोष हैं, पर याद रखिए, यहां देखिए सब, जब आप परमेश्वर की जगह लोगों को दोगे आप ठोकरों के लिए तैयार रहो। दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। आजकल जिस चीज को लोग सबसे ज्यादा टाइम देते हैं वो है फोन। बहुतों के फोन ने उनको व्यभिचारी बना दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फोन ने उनको इतना व्यस्त कर दिया है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि चर्च आग डालने का काम कर रही है, फोन पानी डालने का काम कर रहा है। आपको पता है ये बात? परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम कहां न कहां अपने बच्चे के इतने करीब चला गया कि उसकी जगह उसने ले ली। और प्रभु ने ठाना कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और परमेश्वर इब्राहिम को कहता है इब्राहिम एक काम कर, अपने बेटे को ले और उसको होम बलि कर। आप लेवी व्यवस्था पढ़ के देखिए होम बलि कितनी खतरनाक बलि होती थी। उस बलिदान में एक बछड़े को काट के जलाना पड़ता था। जब परमेश्वर उसे कहता है कि अपने बेटे को ले उसका होम बलि कर, इसका मतलब क्या है कि अपने बच्चे को ले और उसको पीसेस कर, पहले टुकड़े टुकड़े कर उसके, उसके बाद मुझे उसे आग देनी है। जब परमेश्वर ने उससे इस तरह बात की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर परमेश्वर आपके से किसी को यह बात कहे तो आप बिलीव करोगे ये परमेश्वर है? सोचो आप एक बहन हो, इतने सालों से प्रेयर कर रहे थे, आपको बच्चा नहीं था, अचानक प्रभु ने आपको बच्चा दिया और एक दिन प्रभु आपको कहता है अपने बच्चे को ले और मार, आप क्या करोगे? मैं बताऊं क्या करोगे? आपको अगर ऐसी आवाज आए कि अपने बच्चे को ले और मार, आप बोलोगे शैतान मैं तुझे डांटती हूं यीशु के नाम। थैंक गॉड हमारे बीच में ऐसे लोग थे जो खुदा की आवाज को सुनते थे। पीपल लाइक इब्राहिम। आज की जनरेशन को पवित्र आत्मा की आवाज ही नहीं आती, उनको सिर्फ गोलियों की आवाजें आती है, पबजी की। उन्हें आवाजें आती है तारक मेहता के उल्टे चश्मों की,
उन्हें आवाज आती है क्राइम पेट्रोल की, उन्हें परमेश्वर की आवाज नहीं आती। पतरस कहता है जब हम उस पहाड़ पे थे जहां पर हमने ये देखा कि परमेश्वर ने यीशु के लिए आवाज दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। आप इसे कितने लोग इस बात को जानते हैं कि वहां पर ऐसा लिखा गया है, पतरस कहता है हमने पहाड़ पे देखा कि बाप ने अपने बेटे को रिस्पेक्ट दी, ऑनर दिया। आप मुझे बताइए यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप स्कॉलर हैं, चाहे आपने पीएचडी की है बाइबल में, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग कहते हैं कि यीशु वहां पर उपस्थित था और यीशु के ऊपर फूल गिरे, मालाएं गिरी, बहुत सारी चीजें फेंकी गई और स्वागत किया गया। आप जानते हो पतरस क्या कहता है, हमने देखा कि पिता ने अपने पुत्र का ऑनर किया और उसे बात की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। याद रखो मसीह लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑनर यहां पर आना नहीं है, उनका सच्चा ऑनर है खुदा उनसे बात करे। That's honor. जो मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। मैं सालों तक प्रभु से पूछता था, प्रभु आप मेरा आदर करते हो, ये बात मुझे पता कैसे चलेगी? आप जानते हो जब परमेश्वर एक विश्वासी का आदर करना शुरू करता है इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करना शुरू करता है। जब हम उस पहाड़ पे थे तो हमने देखा कि पिता ने उसे आदर दिया और उससे बात की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे, लास्ट टाइम आपने खुदा को कब सुना? दाऊद कहता है मेरे कानों को खोल ताकि मैं तेरे सुन पाऊं। आमीन। मनुष्य उसको सुनने के कारण जीवित रहेगा, यीशु ने कहा। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट टाइम आपने कब परमेश्वर को सुना था? मैं ऑडिबल वॉइस की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कब सुना था कि खुदा आपसे बात कर रहा है? आपको पता है जब परमेश्वर आपसे बात करेगा वो आपको कंफर्म करेगा कि ये मैं हूं, क्योंकि बाइबल बताती है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। यस, हालेलुया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, हर दिन आप खुदा के सामने बैठते हैं और उसे कहते हैं लॉर्ड स्पोक टू मी। हर सुबह एक विद्यार्थी के नाई वो मुझे जगाता है ताकि मैं उसकी सुनूं, और जब मैंने उसे सुना तो मैंने उसका विरोध नहीं किया। यशाया नबी ये लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हर दिन वो विद्यार्थी की तरह उठकर पहाड़ पे बैठता था और कुछ सुनता था और विरोध भी नहीं करता था। क्या बोलता था पिता उससे ऐसा कि यीशु भी उसका विरोध कर सकता था? हर सुबह यीशु को पिता कानों में आके कहता था तैयार हो, वे बहुत जल्द उस पर थूकेंगे, वे तुझे मारेंगे और मैंने विरोध न किया। हर दिन बाप उसे तैयार करता था। हमें लगता है कि यीशु ऐसे ही बलिदान हो गया, अरे मैं आपको बताना चाहता हूं बाप ने उसे तैयार किया उस पहाड़ पे। आप ऐसे बहुतों का सवाल होगा ना, यीशु रात रात भर पहाड़ों पे करता क्या था? अरे मरने के लिए तैयार होता था। हर दिन क्या कहती है बाइबल, एलिया और मूसा उसे मिलने क्यों आए? मरकुस में लिखा है वो उसकी मौत की चर्चा करने आए थे। आप जानना चाहते हो जीसस क्या कहता था पहाड़ों पे रात रात पर? उसे अनुग्रह मांग कि मैं शरीर में हूं, मुझे बहुत तकलीफ होगी, गिव मी ग्रेस। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है अनुग्रह के कारण उसने हर एक के लिए मौत का स्वाद चखा। He died because of grace upon him। क्या व्यक्ति है हमारे बीच में खुदा की आवाज को सुन पा? वो ऐसा नहीं कहता कि नहीं नहीं ये परमेश्वर की आवाज कैसे हो सकती है, वो कहता है ओके, और उसे अपना बच्चा लिया और जैसे वो उसको मारने के लिए ऊपर गया, आप जानते हो तो सेवक उसके साथ थे, उन दोनों को कहता है नीचे उतरो, तुम नीचे रहो, मैं और ये लड़का ऊपर जाएंगे और आराधना करके वापस लौटेंगे। जैसे ही इब्राहिम अपने बच्चे के बदन में खंजर डालने ही वाला था, द बाइबल से ऊपर से आवाज आई, हे इब्राहिम इसे मत छूना, मैं जान गया हूं तो मेरा भय मानने वाला है। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे लगता है परमेश्वर अहमदाबाद मुझे सिर्फ इस वजह से लेकर आया। आप मुझे बताइए किस चीज ने इब्राहिम को तैयार किया अपने इकलौते को चढ़ाने के लिए? अरे 100 बेटे नहीं थे उसके पास, एक ही था। होते 2-4 तो कहता चल दूसरों के सहारे जी लेंगे, जिसे याकूब यूसुफ के जाने के बाद भी कई साल तक चला, एक ही था। आप जानते हो परमेश्वर से क्या कहता है, इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसे मार। कितनी लाइंस हैं गिनी आपने? चलिए गिनते हैं, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसे मार। आप जानते हो जैसे इब्राहिम ऊपर गया और अपने बच्चे को मारने वाला था, अब सुनो परमेश्वर क्या कहता है, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। एक लाइन गायब है, सेकंड लाइन
सेकेंड टाइम प्रभु जान गया इब्राहिम लव गॉड, जान गया ये उसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप चाहते हो इब्राहिम को किसने तैयार किया? एक ही चीज ने, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। उसे पता था जो परमेश्वर 100 साल की उम्र में पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा सारा को बच्चा दे सकता है, वो इसे मारने के बाद इसे मुर्दों में से जिला भी सकता है। वो जानता था ये नहीं मरेगा। मैं आपसे से पूछना चाहता हूं, चंगाई वालों, जो चंगाई चंगाई करते हो, आओ एक स्टेप ऊपर उठो अभी। उसको छोड़ दो जो चंगा करता है, उस पर ईमान रखना सीखो जो मुर्दों को जिलाता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ हमें बीमारी से बचाता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, यदि हम मर भी जाएं तो वो भी मुर्दों से जिला सकता है। पॉल कहता है हम ऐसे संकट में आ पड़े थे कि हमें लगा कि अब हमारी हानि होगी। पढ़ के देखिएगा कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय, पॉल कहता है हम ऐसे भारी संकट में आ पड़े थे कि हमें लगा कि अब हमारी जिंदगी चली जाएगी। तब हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मुर्दों को जिलाता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इब्राहिम कैसे तैयार हुआ? इब्राहिम ने अपना एक अनुभव, अपनी प्रतिज्ञा संभाल के रखी थी कि जो परमेश्वर 100 साल की उम्र में मुझे एक बेटा दे सकता है तो वो उसे मुर्दों में से क्यों जिलाएगा। आप जानते हो इब्राहिम के अंदर एक ही बात ने जड़ पकड़ के रखी थी कि परमेश्वर ने कहा है इसके द्वारा, नॉट इश्माइल, आइजक, परमेश्वर इसके द्वारा मेरे को मेरे वंश को चलाएगा। वो जानता था कि परमेश्वर ने इसे वादा किया था, इसीलिए वो बेफिक्र होकर ऊपर गया। इवन जब वो ऊपर गया भी तो अपने सेवकों को कहता है तुम नीचे उतरो, हम वापस आएंगे। आप जानते हो नए नियम का पहला वचन क्या है? जिसको आता है अपने अपनी जगहों पे जोर से कहिए, मती 1:1, याद है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह, नए नियम की किताब इस व्यक्ति से शुरू होती है। अरे हम तो कहते हैं ना न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। कितने लोगों को ये पता है इब्राहिम न्याय से पहले स्वर्ग पहुंचा है। लाजर मर गया, उसकी गोद में आके बैठ गया। अरे हमारा तो न्याय होगा, ये व्यक्ति न्याय से पहले पहुंच गया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने खुद कहा जकई को बचाकर, वो उसे कहता है देखो ये इब्राहिम की संतान है। क्या किया था जकई ने ऐसा कि प्रभु ने कहा ये इब्राहिम की संतान है? उसे बलिदान दिया, बेटा दिया, इसने अपने रुपए दे दिए। He is a son of Abraham, Zacchaeus. कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप प्रतिज्ञाओं को पकड़ के बैठते हैं। परिवार विश्वास में नहीं है, शैतान बोलता है देख इस सब नरक में जाओगे, और आप उसे कहते हो ये नहीं हो सकता क्योंकि लिखा है यदि मैं विश्वास करूं तो मेरा परिवार उद्धार पाएगा, बचेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और शैतान आपको कहता है तू और कर्जे में आएगा, और आप उसको कहते हो कि नहीं, परमेश्वर अपने महिमा के धन से मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। आमीन। मुझे बताइए, घूंगे हैं आजकल के मसीह? घूंगे, घूंगे बोलता हूं मैं आपकी जनरेशन को। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने में नंबर वन, घर के अंदर लड़ने में नंबर वन है, शैतान के सामने घूंगे होकर बैठ जाते हैं। शैतान मेंटली टॉर्चर करता है फिर भी बैठे रहते। अरे बी अ लायन, बोलना सीखो, लोगों से लड़ना बंद कर दो, लोगों से लड़के कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतान से है, उससे लड़ो, और वो आपसे नहीं डरता, वो आपके मुंह से निकले गए वचन से डरता है। आपने देखा हवा ने क्या किया? भूख नहीं थी तो भी खा लिया। यीशु तो भूखा था तो भी उसे पत्थर को रोटी नहीं बनाई, उसे वचन कहके उसे भगाया। हालेलुया। लिखा है, लिखा है, लिखा है, कहता था वो हमेशा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं मुझे बताइए अपनी जिंदगी में प्रतिज्ञाओं को घोषित करते हैं। हालेलुया। मैं सर नहीं पूछ नहीं पर तू सर ठहरूंगा, मेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, प्रभु ने 7 रास्तों से भगाएगा। आमीन। कितने लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं आपने ये नहीं कहा कि मेरे विरुद्ध हथियार नहीं बनेंगे, लेकिन आपने कहा है कोई हथियार सफल नहीं हो सकता। आज विश्वासियों को प्रतिज्ञा ही नहीं पता है, उनको बस एक ही बात पता है बाहर से स्पीकर आ रहा है चलो प्रार्थना करवा के आएंगे। मुझे बताइए यहां पर कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को घोषणा करते हैं कि ये मेरे साथ होगा। हम उस खुदा के पीछे चलते हैं जो चीजें हैं भी नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। आपको एक बंद करने से पहले मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस बात पर आप बड़ा ध्यान दें। सुनिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपकी, इस चीज को गंभीरता से लीजिए।
ये ऐसे दिन हैं जो बड़े ही खतरनाक दिन हैं। आपको पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल रियलम में क्या हो रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग रेगुलेशन पढ़ते हैं। आप जानते हो द बाइबल सेज शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है, थोड़ा सा, और वो बड़े क्रोध में है। रेवलेशन 12 में आपको पता है मैंने इन दिनों में एक अजीब बात देखी मुंबई में, आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैंने ये बात पास्टर मैकमिलन के चर्च में भी कही, मैं यहां भी बताता हूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सुनो। आप जानते हैं जब हमारी चर्चेस बॉम्बे की चर्चेस सबसे लास्ट में ओपन हुई है, जब 7 तारीख को हमें अपनी कलीसिया को खोलने के लिए कहा गया, ये मेरी नहीं, ये मेरे साथ बहुत सारे पास्टरों की भी सेम है, जब चर्च ओपन हुआ हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे कलीसियाओं में सैलाब आ जाएगा, इतने लोग होंगे कि हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमने चर्च खोला तो हमने क्या देखा पता है, कुछ सीट्स खाली थी। तब हम सोच रहे थे कि ये लोग है कहां। तब हमने किस किस को कॉल किया, किस किस को मैसेज किया, सब ठीक है, कुछ कोविड में हुआ तो नहीं। अचानक सब लोगों ने क्या कहा, सब ठीक है, तो भाई चर्च क्यों नहीं आए। हाँ आएंगे आएंगे आएंगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हो गए, इनका हता पता नहीं है, गए कहां। आपको पता है इन दिनों में कितना ठंडापन हमारे चर्च में घुसरा है। मसीह लोग छोड़ो, सेवक लोग ठंडे हो गए हैं, मिनिस्टर्स ल्यूकवॉर्म, क्या ट्रेमेंडस काम किया है उसने, लोगों में फेथ तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। आज भी आप देखो बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है, फेथ नहीं है, और जो बिब्लिकल फेथ तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आज मैं कई लोगों से पूछता हूं, आप विश्वास करते हो? हां मैं करता हूं। किस बात पे करते हो? अरे इधर देखो, किस बात पे करते हो? मैं विश्वास करता हूं इसलिए तो आया हूं। आपको पता है आपका विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। आज्ञा मानने के लिए मिलती है, प्रतिज्ञा विश्वास करने के लिए मिलती है। जब परमेश्वर आपको आज्ञा देता है तो वो कहता है इसे मान, पर जब परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा देता है तो वो उसको कहता है इस पर विश्वास कर। आज कहां है फेथ? मुझे बताइए। आपको पता है आने वाले दिनों में यीशु ने साफ साफ कहा, चलिए मुझे फिर और 10 मिनट चाहिए, बैठेंगे सब 10 मिनट? ओके चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ मिस्ट्री। मैं जानता हूं आपने इसको पढ़ा होगा। यीशु ने कहा एक विधवा थी जो एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रॉब्लम बताती थी जिस व्यक्ति के अंदर न परमेश्वर का डर था न उसे मनुष्य की कोई परवाह थी। ऐसे आदमी के सामने जाकर वो रोती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी ने कहा ठीक है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, इरिटेट हो गया था वो आदमी, और उसे लास्ट में वो कहता है ठीक है राजा जो भी है मैं तुझे सॉर्ट करता हूं। और जैसे उसने अपना प्रॉब्लम उसको सॉर्ट किया उसके बाद नीचे लिखा गया है जब परमेश्वर, जब ऐसे लोग दूसरों को जज करके न्याय कर सकते हैं तो परमेश्वर क्यों ना न्याय न करेगा। उसके बाद जाते हुए यीशु ने क्या कहा, फिर भी जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो कितनों में ईमान पाएगा। आपने कभी इस दृष्टांत को, इस प्रेयर के पैराग्राफ को आपने कभी ध्यान से पढ़ा? वहां पर क्या लिखा है, एक औरत जो विधवा थी वो अपने पति को खो चुकी थी और प्रतिदिन एक व्यक्ति के पास आके कहती थी मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूं, प्लीज कम और तू आ और ठीक कर। एक दिन उसने उसका न्याय कर दिया। उसके बाद यीशु कहता है जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। आप इसे कितने लोगों ने नोटिस किया, ये बाइबल की एक ऐसा पैराग्राफ है, ये बाइबल का एक ऐसा वचन है जो शुरुआत प्रार्थना से होता है, अंत विश्वास से होता है। आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? जानना चाहते हैं? वो पहले कहता है निरंतर प्रार्थना करो, उसके बाद कहता है मैं आऊंगा तो विश्वास पाऊंगा। आप जानते हो जिनमें विश्वास होता है उनमें कैसे पता चलता है कि मुझ में विश्वास है? वो दुआओं में रहते हैं। हालेलुया। वो दुआओं में रहते हैं। आपको पता है आपका प्रेयर लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि आप ईमान खो चुके हो। अब आपका ईमान है पास्टरों पर, उनके हाथ रखने पर, टाइप पर, मैंने दिया है इसलिए मुझे मिलेगा। ओहो कितने लोग हैं मुझे बताइए जो ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रेयर लाइफ में है तो इस कारण है क्योंकि वो विश्वास करता है। हालेलुया।
आपको पता है आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर लाइफ क्यों डाउन है? क्योंकि वे अपने फेथ में नीचे आए हैं। शैतान बहुतों को वहां ले जाएगा जहां लास्ट में जब ऐसे लोग आएंगे जो हमें सताएंगे, और लिखा है वे अंत में अपने अद्भुत स्वामी का इनकार कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टफ टाइम आने वाले। अगर आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं तो जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत जल्द कलीसिया उखाड़ी जाएगी और उसके बाद कुछ नई बातें इस जगत में होंगी, और उसके बाद वो मगलू चीज प्रकट होगी, वही उजाड़ने वाली गलत वस्तु जिसको यहूदियों को कहा गया कि जब तुम उसे हैकल में खड़ा हुआ देखो तो भाग जाना। जो यहूदा में है वो यरूशलेम भाग जाएं, सबत के दिन यहां वहां भागो, लेकिन उससे मेल मिलाप मत करो। एक ऐसी चीजें आ रही हैं दुनिया में जो जगत की उत्पत्ति से कभी नहीं हुई थी, और फिर एक महासंकट चालू होगा, और उसके बाद हमारा प्रभु दूसरी बार इस जमीन पर पैर रखेगा। थाउजेंड ईयर्स रहेगी। अपने आप को पकड़िए, आप कहां हो, प्रतिज्ञाओं को पकड़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे मत समझिए कि मैं सिर्फ यहां पर एक प्रचार करने आया हूं, मैं आपको सत्य बताने आया हूं। अपने आप को पकड़िए। आप में से बहुत लोग बहुत बिजी हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है। अपने आप को थामिए। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अपनी एक गवाही बताता हूं आपको, सिर्फ वन टेस्टिमनी। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। मुझे 10 मिनट भी मिलते हैं ना, मैं न्यू टेस्टमेंट को कुछ पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं बॉम्बे का हूं, बॉम्बे के लोगों में एक बात होती है, वे पैसों से ज्यादा समय को महत्व देते हैं। उनको पता है टाइम इज मनी। आज मैं इस मीटिंग को पूरी करने से पहले आप इससे हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इब्राहिम की तरह प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं? खुदा ने कहा ये होगा, परमेश्वर ने कहा ये होगा, मेरे साथ मेरा परिवार उद्धार पाएगा, मैं बचाया जाऊंगा, परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा। कितने लोग हैं जो हर दिन घोषणाएं करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा। सोचिए, मैं आज भी सब जब सवेरे सवेरे नींद से उठता हूं, मैं अपने लिए घोषणाएं करता हूं, प्रभु आज मैं वहां पहुंचूंगा आत्मा में जहां आज तक मैं कभी नहीं पहुंचा था। मैं विश्वास करता हूं आज पे वो अभिषेक आएगा जो अभिषेक मुझ पे आज तक नहीं उतरा था। मैं बिलीव करता हूं जैसे मूसा पूरी इसराइल को निकाल के ले आया, नोहा अपने पूरे परिवार को बचा ले आया, मैं बिलीव करता हूं मेरे खानदान का एक एक व्यक्ति उतार पाएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अंगीकार कीजिए। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं कह रहा हूं, पूरी लाइफ ऐसे ही स्ट्रेस में निकल जाएगी, पता तक नहीं चलेगा, टाइम से पहले खत्म हो जाएंगे कुछ लोग। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, बी ए डिलीजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल, बाइबल के अच्छे विद्यार्थी बनिए। जब आप उसे पढ़ते हैं कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जो सीखते हैं उसे लिखिए। मैं जूम मीटिंग में लोगों से नोट्स बनवाता हूं ताकि सालों के बाद भी जब वो पढ़े तो उन्हें हैरानी हो कि ये बातें खुदा ने मुझसे कही थी। मुझे कोई उनका लिटरेचर प्राप्त नहीं होता, मैं कोई उनको मेल नहीं करता कि मुझे भेजो, मैं जानता हूं आगे चल के उनके ये नोट्स ही उनका संदेश है। मैं आप में से फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञाएं दी थी और वो अंत तक अपनी प्रतिज्ञाओं पर खड़ा था। वो अपने बेटे को लेकर उसे बलिदान किया। आपको पता है हम तो कहते हैं कि वो बच गया, आप जानते हो आगे चलकर क्या लिखा है? दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो वह उसे मुर्दों में से वापस मिला। बोलो यीशु मसीह की। इन लोगों ने आपको समझा, हर बार मीटिंग होए होए हिप्पे बुरे में पूरी नहीं होती। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपनी मीटिंग इस तरह पूरी करूं कि लोग खुश होकर जाए, अरे क्या मीटिंग थी। मैं चाहता हूं आज यहां से आप एक जिम्मेदारी लेके जाओ कि आज के बाद जीवन वैसा नहीं जी सकता जैसे आज तक जिया है। आज भाई प्रेमानी ने मुझे समझाया है, मुझे अपना समय वचन और प्रतिज्ञाओं की खोज में लगाना है। लिसन, जितने यंग लोग हैं, जवान हैं, भाई 2 साल के बाद जब मैं आपसे मिलूंगा, आपको पता है मुझे क्या कहोगे? ब्रदर, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल चुका है। आप बोलोगे ब्रदर ये आप बोल के तो गए थे, उसके बाद जब मैं अंदर घुसा हूं, वचन को पढ़ने में मैंने प्रतिज्ञाएं देखी, और मैं जब हर दिन घोषणाएं करता हूं कि प्रभु मैं जानता हूं पेंटिकॉस्ट के दिन गए नहीं है, वो जारी है, मुझे भर अपनी आत्मा से। और जब आप उससे मिलोगे आप मुझे कहोगे ब्रदर जीवन बदल चुका है। Don't follow such only preachers के जो आपको सिर्फ खुश करके घर पे भेजे, अरे सब ठीक है जाओ जाओ सब ठीक है, पता नहीं गुजराती में क्या बोलते, सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है जाओ। जिम्मेदारी लो,
मैं ऐसे लोग को सुनना पसंद करता हूं जो अपनी सभाओं को इस तरह पूरी करें कि वो आपको कोई जिम्मेदारी दे कि यहां से जाने के बाद उसको करो, तब आप आशीष पाएंगे। आशीष सिर्फ सभाओं में आने से नहीं मिलती, आशीष खुदा के साथ चलने में मिलती है, परमेश्वर के साथ वॉक करने से मिलती है। बोलो यीशु मसीह की जय। सब खुश है? कुछ लोग पास्टर को कहेंगे दोबारा मत बुलाओ उसको, कुछ भी बोलता है चलेगा, नो मत बुलाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी लो। आज पता नहीं क्यों मैं आज अपनी आत्मा में एक बात देख पा रहा हूं, और मैं ऐसे लोग को कॉल दूंगा यहां पर। मैं आज पता नहीं क्यों अपनी आत्मा में ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, एक वजह से खत्म हुई है, और वो है आपकी सुस्ती, योर लेजीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुतों का आत्मिक जीवन, एक आत्मिक कंगालपन एक वजह से आया है, वो है सुस्ती। सुस्ती मन में होती है, याद रखना, कभी बॉडी में नहीं होती है। 70 साल के लोग मैंने देखे हैं, जवानों से अच्छा दौड़ते हैं, 30 साल के लोग भी देखे हैं मुझे, बहुत बूढ़ों की तरह चलते हैं। सुस्ती, नीति वचन में लिखा गया है, अगर तू कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो मेहनत करता है तो उसे बोल के आ कि वो राजाओं के साथ बैठे। मेरे भाई और बहनों उठो, मेहनत करो। बोलो मुझे मेहनत करनी है। हाँ, जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा आदम, तुझे खाना, मैं आपको एक बात कहता हूं, जब तक इस किताब पे पसीना नहीं बहाओगे कुछ नहीं मिलेगा। बहाएगा इस किताब पे पसीना। बहुत लोग सोचते हैं प्रभु ने इस्राएल को क्या लाइट दिया, चलो मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं आप सेवकों से पूछता हूं, कभी ऐसे होता है? कौन सा देश है मुझे बताओ जहां पर आप गए थे और आपने नदी देखी, अरे हनी, अरे दूध, कभी देखा था? क्या कहना चाहता था प्रभु इसराइलियों से, दूध और मधु की धाराओं वाले देश में ले चलता हूं? अरे दूध निकालने के लिए आधी रात को उठना पड़ता है, सुबह पानी मिक्स करना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है, सारा दिन मेहनत करते हैं ये लोग। हनी कहां मिलती है? यहां पर नहीं, ऊपर मिलती है, चढ़ना पड़ता है, जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, उसके बाद वो उसे निकालते हैं। प्रभु उनको ये नहीं कह रहा था कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल में लेके जा रहा हूं, परमेश्वर उनको कह रहा था मैं तुम्हें ऐसे नगर में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें मेहनत करनी है। यस हालेलुया, दूध और मधु की धारा वाला देश। अरे मेहनत करने के लिए कहा, यीशु ने कहा उस भोजन के लिए परिश्रम न करो जो खाके तुम्हारे बाप दादा मर गए, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे। मेहनत करने के लिए कहा उसने, आओ बैठो घुटनों पे, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम जियोगे। 40 साल तक उनके ऊपर मन्ना गिरता रहा, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने पांव कनान में रखे, बाइबल बताती है अनाज ऊपर से आना बंद हो गया, मन्ना ऊपर से आना बंद हो गया। क्यों? अब खुद मेहनत करो। यीशु मसीह ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जो अपने घर में बैठा हुआ था और प्रभु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले, और ऐसा किया। उसने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया। आप जानते हो पत्रस क्या कर रहा था? काम कर रहा था। लेवी क्या कर रहा था? काम कर रहा था। मूसा अपने ससुर की भेड़ चला रहा था जब उसे आवाज आई, मूसा, हे मूसा। प्रभु ने आदम को काम दिया। एलीशा, एलिया से तब मिला जब एलिशा काम कर रहा था। पढ़ के देखो, परमेश्वर ने हर एक को उनकी काम की जगह से बुलाया, क्योंकि वो मेहनती थे। उठो मेहनत करो, सिर्फ फर्स्ट हैंड पे नहीं, सेकंड हैंड पे नहीं कि पास्टर देगा, उठो खुद सुबह अपनी नींद खराब करो, परमेश्वर तुमसे बात करेगा और तुम जियोगे। क्यों कहती है बाइबल, ये मेरा आखिरी, एक मेरी आखिरी लाइन है, उसके बाद आप ऊपर आ सकते हैं। यू नो, एक आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हो जिस दिन उन्होंने मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए, मूसा ने प्रभु से कहा इन्हें भोजन चाहिए, प्रभु ने कहा मैं इन्हें भोजन दूंगा। आप जानते हो जिस दिन वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद प्रभु उनको कहता है, तुम जानते हो ये मन्ना मैं तुम्हें क्यों देते आया? मूसा कहता है क्यों? ताकि तुम जानो कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। आप जानते होंगे जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में ये वर्ड कोट करके डेविल को मारा था। आप जानते हो ये वचन ईश्वर ने, खुदा ने मोसेस को कब कहा? जब वो उस बॉर्डर पे थे,
और प्रभु उसको कहता है, सुनो ये भोजन जो मैं तुम्हें ऊपर से देता हूं, ये पता है मैं तुम्हें क्यों देता हूं? ताकि तुम जानो तुम मेरे वचन से जियोगे। जब मैं से पढ़ रहा था, मैंने कहा कि तुम खाना वचन वचन खाना ही क्या है? आप मुझे बताइए, अगर गुजरात में एक नया नियम बने कि सिर्फ सुपरमार्केट्स ग्रोसरी स्टोर्स रात को 5 और सवेरे 4 से 6 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद वो खुलेंगे ही नहीं, तो आप जाएंगे नहीं? नियम खराब करेंगे ना? क्यों खराब करेंगे? क्योंकि आपको पता है यही टाइम है जब मिलता है, नहीं लिया तो भूखे मरेंगे। परमेश्वर उन्हें कह रहा था, जैसे हर सुबह तुम उठते हो इस भोजन के लिए और ये भोजन खा के तुम जिंदा रहते हो, अगर तुम इसी तरह हर दिन मेरे कलाम के लिए उठो तो तुम जियोगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर खुदा को सुनने के कारण जिएगा।